हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट किया था, डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ लिया था। ठीक, अब एंडोस्पर्म भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन 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 एंडोस्पर्म में हमने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा था। ठीक, तो एनसीईआरटी से एंडोस्पर्म जो है हम कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ ही आज आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताया जाएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस में जो है वो कौन कौन से जो है आपको टर्म यूज होंगी वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सुनिए, पहले देखिए मत, पढ़िए मत, सुनिए। पहले क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ जिसमें सिंगैमी हुई, देख सकते हैं आप, सिंगैमी हुई, सिंगैमी से बना जाइगोट, मेल और फीमेल का फ्यूजन हुआ, और दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो बना ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, अब देखिए, दो बार फ्यूजन हुआ मतलब सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में तीन सेल फ्यूज हुई, तो इसको बोला हमने डबल फर्टिलाइजेशन। और ये मेनली हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है सिर्फ एंजियोस्पर्म में। किसने इसको बताया था, स्ट्रेस बर्गर ने इसको बताया था। ठीक, अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे, जिसमें मैं एंडोस्पर्म आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक, लेकिन एंडोस्पर्म फिर से आपको एनसीईआरटी से बता देती हूँ। एंडोस्पर्म पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या हो गया, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, ओव्यूल से सीड का बनना और ओवरी से फ्रूट का बनना, ये सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। ठीक, एम्ब्रियोज के पहले बनता है एंडोस्पर्म। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वही क्या करता है, एंडोस्पर्म ही एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से थोड़ा पहले बनना शुरू होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एंडोस्पर्म जो है वो बिल्कुल पहले कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एम्ब्रियो बनना शुरू होगा। नो, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट बस एम्ब्रियो से थोड़ा पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, अब एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, ये आपको यहाँ पे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। इस सेल में एंडोस्पर्म जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है उसमें होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो बन जाएंगे। इस स्टेज पे हम एंडोस्पर्म को कहते हैं न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो क्या बन, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है और हम एंडोस्पर्म को कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो बहुत वेरी करता है, अलग अलग एंडोस्पर्म में आपको सेलुलराइजेशन से पहले अलग अलग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कोकोनट की बात करते हैं तो उसमें जो हम वाटर होता है उसका, कोकोनट का पानी पीते हैं, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं और उसका जो वाइट सा पार्ट होता है वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कई बार सीड के मैच्योर होने से पहले खत्म हो जाता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है। तो ऐसे सीड जिनमें मैच्योरेशन पे एंडोस्पर्म नहीं बचा उनको कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और मोस्टली डाइकॉट जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक, और ऐसे सीड जिनमें पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलप हो गया लेकिन फिर भी एंडोस्पर्म जो है वो बचा है, सीड पूरा मैच्योर है लेकिन फिर भी एंडोस्पर्म बचा है, तो उनको बोलेंगे हम एंडोस्पर्मिक सीड। तो पहले तो सीड का काम था एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, लेकिन अब सीड का काम क्या बचा है, अब सीड जो है, अब सॉरी, एंडोस्पर्म का काम जो था वो पहला था एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, लेकिन अब क्या काम बचा एंडोस्पर्म का, तो अब वो सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प करेगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल और ओव्यूल का सीड में बनना एंड ओवरी का फ्रूट में बनना, ये सारे क्या आ गए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, व्हाई, ठीक, बिकॉज, मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म ही डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अगर एंडोस्पर्म ही नहीं बना होगा तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, समझ गए। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रिपीडली, बार बार प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड करेगी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगी।
सेल बार बार डिवाइड करेंगी तो और सेल ऐड होंगी, और बहुत सारी सेल जब ऐड होती है तो टिश्यू बनता है, तो वो कैसा बना? ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू. द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो. और जो टिश्यू में सारी की सारी सेल्स हैं उनमें बहुत सारा खाना है, और वो खाना दिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. ठीक है. इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है दैट अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गेट राइज गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो है वो बार 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 जो है सक्सेसिवली जो है वो कैरियोकाइनेसिस करेगा, न्यूक्लियस जो है वो बनते रहेंगे तो फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे बहुत सारे. दिस स्टेज पे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है. सब्सिक्वेंटली थोड़ी ही देर में बाद में क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर. ठीक है. एंडोस्पर्म कैसा बन जाएगा? सेलुलर बन जाएगा. और जो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई होते हैं सेलुलराइजेशन से पहले वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं. कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विथ, जानते हैं ना कोकोनट वाटर के बारे में, इट इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. कैसा होता है वो? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई. ठीक. एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल, जो व्हाइट वाला हिस्सा हो गया वो है सेलुलर एंडोस्पर्म. अब एंडोस्पर्म हो सकता है कम्प्लीटली खत्म हो गया है. एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैचुरेशन. ठीक. सीड मैचुरेशन से पहले ही एम्ब्रियो ने पूरा खत्म कर दिया एंडोस्पर्म को, तो सीड होगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स, सारे ही फेवेसी के एग्जाम्पल हैं, डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं. और इट में परसिस्ट इन द मेच्योर सीड एंड बी यूज अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन. और हो सकता है कि एंडोस्पर्म जो है वो मेच्योर सीड में बचा है और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा. और इसका एग्जाम्पल है कैस्टर एंड कोकोनट. क्या देखिएगा, कैस्टर अरंडी आपने सुना होगा, अरंडी का तेल भी आप बालों में डालते होंगे. तो कैस्टर जो है वो बेटा वो है डाइकॉट और कोकोनट है मोनोकॉट. तो कई बार जो है पी, ग्राउंडनट, बीन्स एंड कैस्टर ऑप्शन में होता है और पूछा जाता है इनमें से कौन सा एंडोस्पर्मिक है. ठीक. तो कैस्टर एंडोस्पर्मिक है और ये डाइकॉट ही है, तो ये एक्सेप्शन होता है. हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, एक्सेप्शन कैस्टर जैसा आता है. ठीक. स्प्लिट ओपन आपको करना है कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, जितने भी कोकोनट है इनको अगर आप खोलेंगे तो इनमें आपको एंडोस्पर्म दिखेगा हर केस में. तो फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल जैसे वीट, राइस, मेज में एंडोस्पर्म है कि नहीं है. तो बेटा इनमें तो मेजर पार्ट ही किससे होता है? एंडोस्पर्म से होता है. तो आप बिल्कुल हक से क्या कहेंगे? यस, कि हाँ है. ठीक है. तो अब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, हम बेसिक सीखेंगे बेटा, बाद में फिर हम समझेंगे कि किस तरह से जाइगोट से जो है एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है. ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है. देखिए यहाँ दो सेल्स बनी है, एक टर्मिनल सेल होती है, एक बेसल सेल होती है. हर एक चीज बताऊंगी लेकिन उससे पहले आप मेरे साथ सीखेंगे कुछ टर्म्स को, ताकि कल मैं जब आपको डाइकॉट और मोनोकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस करवाऊं तो आप जल्दी से समझ जाओ. ठीक है. ये एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है और ये स्टेजेस हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की इन डाइकॉट्स. ठीक. तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन की. वेरी इजी आपको दिख ही रहा है, सेल में इस तरह से डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन. और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होगा तो लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है. ये बहुत बेसिक था लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही डिवीजन जो है वो होते हैं सेल में. ठीक है. अब आपको दिखाई दे रहा ना ये सेल जिसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल है. ठीक. उसके बाद आपके पास आता है पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल. जब आप एंटीक्लिनल को देखते हैं तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल की तरह नजर आ रहा है. ठीक है. जब आप पेरिक्लिनल को देखते हैं तो आपको ये पैरेलल मतलब ट्रांसवर्स की तरह नजर आ रहा है. लेकिन बेटा जब हम ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं तो हम एक सेल की बात कर रहे होते हैं कि इसमें ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया और इस सेल में ये ट्रांसवर्स हो गया. व्हेन वी टॉक अबाउट एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल डिवीजन तो हम एक सेल की बात नहीं करते हैं, हम एक सेल से के रिस्पेक्ट में दूसरी सेल की बात भी करते हैं. ठीक. तो देखिए आपको यहाँ पे मैंने एक प्लेन दिखाया है, एक लाइन जो है वो लगाई है, ताकि इसका मतलब है कि बहुत सारी सेल्स जो है वो और भी हो सकती हैं. ठीक. तो एक सेल और दूसरी सेल के परपेंडिकुलरली डिवाइड करेगी. देखिए इस तरह से दोनों सेल को देखिए कैसे डिवाइड कर रही है, परपेंडिकुलरली. कितनी डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ठीक है. तो लेयर ऑफ सेल्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर जब डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन. इससे क्या होता है, देखो एक और सेल इस तरह को बढ़ेगी तो कॉलम ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. रोज इंक्रीज हुई नहीं, कॉलम ऑफ सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे.
देखा आपने, ठीक है, ये चार है तो टोटल कितनी बन जाएगी, आठ बन जाएंगी। तो आपको थिकनेस में इंक्रीज मिलेगा। पेरिक्लिनल में देखिए क्या होगा, पैरेलल टू, दो सेल में एक दूसरे के पैरेलली डिवीजन होगा। देखिए इसमें देखिए पैरेलल पैरेलल, इसके ऊपर भी कोई सेल्स हैं तो कैसा हो रहा है, पैरेलल डिवीजन हो रहा है। इससे क्या बनेगी आपको, और क्या दिखेंगी, और ज्यादा नई सेल दिखेंगी, लेकिन लेंथ इंक्रीज मिलेगी और रोज ऑफ सेल्स आपको दिखाई देंगी। समझ के आप, तो एंटी क्लिनल में होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर प्लेन में डिवीजन होगा सेल्स के बीच में, और पेरिक्लिनल में एक सेल का दूसरे सेल के पैरेलली जो है वो डिवीजन रहेगा। एंटी क्लिनल थिकनेस को इंक्रीज करेगा, पेरिक्लिनल जो है वो लेंथ को इंक्रीज करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो देखिए आप पढ़ लेते हैं एक बार, एंटी क्लिनल सेल डिवीजन आर परपेंडिकुलर टू द एडजेसेंट लेयर ऑफ सेल्स। एडजेसेंट लेयर ऑफ सेल जो थी, देखिए एडजेसेंट लेयर ऑफ सेल परपेंडिकुलर है इसमें, ठीक। सो व्हाट यू गेट इज कॉलम ऑफ सेल एडजेसेंट टू वन अनदर। इन सिंपल वर्ड्स, एंटी क्लिनल डिवीजन एड मोर थिकनेस। आई होप आपको ये समझ आया है। पेरिक्लिनल डिवीजन, पेरिक्लिनल सेल डिवीजन्स आर द वंस दैट अकर पैरेलल टू द टिश्यू और ऑर्गन सरफेस। देखिए आपने देखा ना अभी अभी कि कैसा था, पैरेलल टू द ऑर्गन और टिश्यू सरफेस, मतलब एक सेल टिश्यू में क्या है, सेल्स ही तो हैं, कैसे है, पैरेलल डिवीजन है, ठीक। एज अ रिजल्ट वी गेट रोज ऑफ सेल्स स्टैक्ड वन ओवर द अदर, इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द टिश्यू। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डर्मेटोजन सस्पेंसिव हॉस्टोरिया एंड हाइपोफाइसिस के बारे में। तो बेटा ये डर्मेटोजन क्या होता है, डर्मेटोजन जो है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, इस तरह से ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा, ठीक है, उसमें जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा, सबसे बाहर का जो प्राइमरी मेरिस्टेम होगा उसको हम कहते हैं डर्मेटोजन, और ये जो है ये एपिडर्मिस बनाता है। अगर आपने रूट का कटिंग पढ़ा होगा, रूट का डाइकोट का स्टेम पढ़ा हुआ, डाइकोट का रूट पढ़ा हुआ, उसी तरह से आपने मोनोकोट का भी पढ़ा होगा, तो सबसे बाहर जो लेयर बनती है वो होती है एपिडर्मिस, और वो इसी डर्मेटोजन से बनती है। लेकिन जो रूट टिप होती है उसमें, मतलब टिप पे जो भी मेरिस्टेम है उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। शूट की टिप पे भी मेरिस्टेम होगा उसको हम डर्मेटोजन ही कहेंगे, लेकिन रूट की टिप पे जो एपिकल मेरिस्टेम होगा उसको हम प्रोटोडर्म कहते हैं। तो देखिए डर्मेटोजन, द आउटर प्राइमरी मेरिस्टेम ऑफ अ प्लांट और प्लांट पार्ट दैट अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी गिव राइज टू एपिडर्मिस, ठीक है। प्लांट के या प्लांट के किसी भी हिस्से का सबसे बाहरी प्राइमरी मेरिस्टेम हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्या बनाएगा, एपिडर्मिस बनाएगा, उसको हम कहते हैं डर्मेटोजन। द आउटर एपिकल मेरिस्टेम ऑफ अ रूट टिप इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोडर्म, ठीक है। रूट टिप में जो सबसे बाहर का मेरिस्टेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोडर्म। अब सस्पेंसर देखिए, ये देखिए ये है, ये हो गया जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करेगा, उसमें एक बनेगी सस्पेंसर सेल, एक बनेगी एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर जो है वो फर्दर डिवाइड करता है, उसमें 6 से लेके 10 तक सेल बन जाती हैं, और उसमें जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसको हम बोलते हैं वेसिकुलर सेल्स और हॉस्टोरिया, एंड एक बिल्कुल एम्ब्रियो के साथ में जो सेल होता है ये वाला सेल, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस जो है वो रेडिकल एंड रूट कैप बनाता है, ठीक। अब रेडिकल जो है बेटा वो क्या बनाता है, रूट, ठीक। तो रेडिकल एंड रूट कैप किससे बनते हैं, हाइपोफाइसिस से ही बनते हैं। सस्पेंसर का काम क्या है, देखिए ये इतनी सी सस्पेंसर सेल थी, फर्दर जो है वो डिवाइड करी, यहां जो है नीचे को एंडोस्पर्म का टिश्यू होगा पूरा, ठीक। तो सस्पेंसर का काम है जो एम्ब्रियो बन रहा है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको एंडोस्पर्म की तरफ को धकेलना ताकि वो नरिशमेंट ले सके, समझ गए आप। तो चलिए आप पढ़ते हैं, सस्पेंसर अ सस्पेंडिंग पार्ट और स्ट्रक्चर सच एज अ ग्रुप ऑफ चेन और सेल्स, ठीक है, जिसमें आपको 6 to 10 सेल्स मिल रही हैं, अ ग्रुप ऑफ और चेन ऑफ सेल्स दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द जाइगोट ऑफ सीड प्लांट एंड सर्व्स टू पुश द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म। क्या कर रहा है सस्पेंसर का काम है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करना। हॉस्टोरिया द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टू वॉट द माइक्रोपाइलर एंड बिकम स्वोलन एंड फंक्शन एज हॉस्टोरियम। अगर आपने फंगस में हॉस्टोरियम पढ़ा होगा तो आपको यहाँ हॉस्टोरिया का पता चलेगा, नहीं पता होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहला सेल जो होता है सस्पेंसर का बाहर की तरफ को, उसको बोलते हैं हॉस्टोरिया, और वेसिकुलर सेल भी कहा जाता है। द लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर एट द एंड ऑफ एडजेसेंट, एट द एंड एडजेसेंट टू एम्ब्रियो, बिल्कुल एम्ब्रियो के साथ वाला जो एंड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस।
एम्ब्रियो के बिल्कुल साथ में एंड पे जो सेल है उसको कहा जाता है हाइपोफाइसिस। इट गिव राइज टू रेडिकल एंड रूट कैप। देखिए समझ आ गया ना, हाइपोफाइसिस किसको राइज करेगा, ये रेडिकल एंड रूट कैप बनाएगा। ठीक है, सस्पेंसर कितना सेल्ड है, 6 to 10 सेल्ड है। उसका सबसे ऊपर का लेयर, ऊपर का माइक्रोपाइलर एंड की साइड को जो सेल है उसको बोलते हैं होस्टोरिया। जो एम्ब्रियो के साथ है उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक, तो व्हाट इज दिस प्रो एम्ब्रियो, तो ये एम्ब्रियोनल स्टेज है। प्रो एम्ब्रियो, ऑक्टेंट स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज। पढ़ने से पहले आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या होता है, जो जाइगोट है वो डिवाइड करेगा, फिर एक मास ऑफ सेल बनेगा, उसको बोलते हैं हम प्रो एम्ब्रियो। उसमें आपको कोई भी कॉटिलीडन, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स कुछ भी नजर नहीं आता है। बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है ये एम्ब्रियो की, तो इसको हम बोल देंगे प्रो एम्ब्रियो। देखिए, मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड द प्रो एम्ब्रियो, नो कॉटिलीजन, स्टेम एपेक्स और रूट एपेक्स इज ऑर्गेनाइज इन दिस अर्ली पीरियड। प्रो एम्ब्रियो क्या हो गया, ऐसा सेल्स का मास, टिश्यू का मास, जिसमें आपको अभी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कॉटिलीडन है, कहाँ से रूट बनेगा, कहाँ से शूट बनेगा। बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में होता है एम्ब्रियो, उसको हम प्रो एम्ब्रियो बोल देते हैं। जनरली आप इसको 4 सेल्ड स्टेज पे समझ लेना। ठीक है, दिस ऑर्गन डू नॉट अपियर अंटिल आफ्टर जर्मिनेशन हैज अकर्ड। ठीक, तो मतलब प्रो एम्ब्रियो वाले स्टेज में जो है अभी जर्मिनेशन तो हुई नहीं है। ठीक, कॉटिलीडन वगैरह ये सब कब बनते हैं, जब सीड जर्मिनेट होना शुरू करता है। तो ऑक्टेंट स्टेज में क्या होता है, ऑक्टेंट स्टेज में देखिए ये है बेटा ऑक्टेंट स्टेज, ये वाली स्टेज है ऑक्टेंट स्टेज। आप पढ़ भी सकते हैं बी फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर एंड एम्ब्रियो ऑक्टेंट। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये है बेटा सस्पेंसर, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये यहां तक सस्पेंसर है। अब ऑक्टेंट का मतलब तो 8 सेल्स होता है। आप बोलिए मैम यहाँ पे तो 4 ही सेल्स हैं। ठीक है, तो यही होता है बेटा, यहाँ पे 8 सेल्स होती हैं, लेकिन जो हमें विजिबल होंगी वो कितनी होंगी, 4 ही सेल्स होंगी। और इस ऑक्टेंट में कुछ मेरिस्टेम जो है वो बन जाता है। मेरिस्टेम ही है ना बेटा जो पूरा प्लांट का टिश्यू को फॉर्म कर रहा होता है। चलिए देखिए, ऑक्टेंट स्टेज इन एम्ब्रियो इट इज एन 8 सेल स्टेज इन विच ओनली फोर, FOUR, 4 of 8 सेल्स आर विजिबल इन 2 टायर्स ऑफ द एम्ब्रियो। दिख रहा है ना, ये आप T1 समझिए, ये आप T2 समझ लेंगे। इसमें टोटल कितनी सेल्स हैं, 8 सेल्स हैं, लेकिन हमें कितनी दिखाई दे रही हैं, सिर्फ 4 ही दिखाई दे रही हैं। अब ये ग्लोबुलर शेप है बेटा, ग्लोबुलर शेप में देखिए इसमें सेल्स का नंबर बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने अभी आपको डर्मेटोजन कहा था, सबसे बाहर का लेयर जिससे एपिडर्मिस बनता है डर्मेटोजन। ग्लोबुलर में देखिए पूरा का ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम सब बन गया, वैस्कुलर टिश्यू बन जाता है, जाइलम फ्लोयम जो है यहां बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए रूट कैप, रूट टिप, ये किससे बनी, ये हाइपोफाइसिस से बनी। ठीक है, चलिए ग्लोबुलर स्टेज इन एम्ब्रियो, द नेम ऑफ दिस स्टेज क्यों, मतलब ग्लोबुलर स्टेज क्या बता रहा था, आपने देखा एम्ब्रियो कैसा है, बिल्कुल गोल गोल है ना, ग्लोबुलर है। ठीक, तो नेम ऑफ दिस स्टेज इज इंडिकेटिव ऑफ द एम्ब्रियोज अपियरेंस एट दिस पॉइंट इन एम्ब्रियोजेनेसिस, इट इज स्फेरिकल और ग्लोबुलर। तो ये जो नाम बता रहा है, ये बता रहा है कि इस स्टेज पे एम्ब्रियो का शेप जो है वो ग्लोबुलर होगा। द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ग्लोबुलर फेज इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्ट ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ऑक्टेंट स्टेज में एंटर मतलब ऐड हो गया था, बाकी का सारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो ग्लोबुलर स्टेज में ऐड हो जाता है। वैस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम और फ्लोएम जो है वो इसी स्टेज पे बनना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, फिर इधर से कुछ मास ऑफ सेल और इधर से कुछ सेल्स ने पेरिक्लिनली डिवाइड करना शुरू किया। पेरिक्लिनल डिवाइड डिवीजन मैंने कहा था आपको, उससे लेंथ बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक, तो ये देखिए ये सेल ने कुछ बड़ा डिवीजन किया पेरिक्लिनल, और जो है थोड़ा सा पोर्शन बल्ज आउट हो गया, क्योंकि बाकी की कंपैरिजन में यहां पे क्या हुआ, लेंथ बढ़ गई। तो कैसा देखने को मिलेगा आपको, हार्ट शेप देखने को मिलेगा, लेकिन ये एम्ब्रियो सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में होगा, क्योंकि ये है 2 कॉटिलीडन। तो ध्यान से देखिए, हार्ट शेप एम्ब्रियो एज कॉटिलीडन बिगिन टू फॉर्म द ग्लोबुलर शेप ऑफ द एम्ब्रियो चेंजेस टू अ हार्ट शेप्ड अपियरेंस इन द डाइकॉट। जैसे ही कॉटिलीडन जो है वो बनना शुरू होते हैं, तो जो ग्लोबुलर शेप था एम्ब्रियो का वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है हार्ट शेप में। ट्रांजिशन टू हार्ट स्टेज बिगिन व्हेन 2 ग्रुप्स ऑफ सेल डिवाइड
पेरी क्लीनली काउजिंग बल्जेस एंड एमर्जेस एट कॉटिलीडन लोब, जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि क्या होगा। दो ग्रुप ऑफ सेल जो हैं वो डिवाइड करना शुरू करते हैं और बल्ज आउट कर देते हैं थोड़ा सा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं कॉटिलीडन लोब। ये आपको यहाँ पे हार्ट शेप जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो अब नहीं रहा है। ये देखिए, एक एक स्टेप देखिए बेटा। एग, दो सेल स्टेज आई, बेसल एंड एपिकल, ठीक है। हालांकि बेसल जो है वो इसकी माइक्रोपाइल की साइड को होती है। ऑक्टेन देखिए, मैंने कहा था सिर्फ चार सेल्स विजिबल होती हैं। ग्लोबुलर गोल बन गया, बाहर वाली लेयर डर्मेटोजन, अंदर पूरा टिश्यू भरा है। फिर थोड़ी सी सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू हुई, थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप आया और फिर हार्ट शेप आ गया, ठीक। हार्ट शेप जो है फर्दर जो है यहाँ कॉटिलीडन ग्रो किए, कैसा बन गया, टॉर्पेडो शेप बन गया। दिखाई दे रहा है ना आपको ये टॉर्पेडो शेप, और ये है मैच्योर एम्ब्रियो, जिसको कई बार हॉर्स शू शेप्ड या फिर लेट टॉर्पेडो भी बोल दिया जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो में क्या होता है, देखिए बेटा कंप्लीटली फॉर्म्ड हो चुका है पूरा का पूरा एम्ब्रियो। दो कॉटिलीडन आपको बहुत ही क्लियरली नजर आ रहे हैं, ठीक। बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस क्लियरली नजर आ रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है ये सस्पेंसर जो है ये पूरा जो है ये डिजनरेट होने लगता है, ठीक। अब ध्यान देंगे बेटा, ये है कॉटिलीडन, यहां से कॉटिलीडन जो है वो बनना शुरू हुए। इसके नीचे जो पूरा है ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सेस, और इस पे ये जो थोड़ा सा उभार आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये भी क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन कॉटिलीडन से नीचे जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, हाइपो नीचे कोटाइल कॉटिलीडन। कॉटिलीडन से नीचे जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल, जो इसके ऊपर थोड़ा सा एम्ब्रियोनल एक्सेस है उसको बोलेंगे एपिकोटाइल। तो यही एपिकोटाइल क्या बनता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और हाइपोकोटाइल से नीचे सबसे नीचे होगा आपको रेडिकल मिलेगा, वो बनेगा उससे रूट बनेगा, ठीक। चलिए देखिए, मैच्योर एम्ब्रियो, इन दिस स्टेज द एम्ब्रियो इज फुली फॉर्म्ड एंड सेपरेट कॉटिलीडन कैन बी सीन इजिली एज वेल एज डिस्टिंक्ट रूट एंड शूट मेरिस्टेम। दिखाई दे रहा था ना, डिस्टिंक्ट रूट मेरिस्टेम था, शूट मेरिस्टेम था, कॉटिलीडन थे, और यहाँ पे सस्पेंसर एंड बेसल सेल्स बिगिन टू डिसअपियर। अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, अब आपने देखा कि एम्ब्रियोनल एक्सिस यहां से ऊपर क्या बनेगा, रूट शूट बनेगी, इससे नीचे क्या बनेगा, शूट बनेगा। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये किसमें डेवलप होगा बताइए, रूट और शूट के बीच में क्या होता है, स्टेम। तो क्या बनेगा, ये स्टेम बनेगा। द रीजन बिकम स्टेम ऑफ द प्लांट वेन द प्लांट गेट्स मेच्योर्ड। डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोन एम्ब्रियोनिक एक्सेस अटैच बाई टू कॉटिलीडन्स एंड इन मोनोकॉट इट इज अटैच बाई अ सिंगल कॉटिलीडन। समझ गए ना आप, एम्ब्रियोनल एक्सेस इन केस ऑफ डाइकॉट दो कॉटिलीडन से अटैच होगा, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन से ही अटैच होगा। अब देखिए हाइपोकोटाइल क्या हुआ, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस विच लाइज बिलो द कॉटिलीडन इन डाइकॉट एम्ब्रियो इज नोन एज हाइपोकोटाइल। देखिए कॉटिलीडन से नीचे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो हो गया हाइपोकोटाइल, इट टर्मिनेट विद रेडिकल, और रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनती है एपिकोटाइल। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज अबव द कॉटिलीडन, कॉटिलीडन के लेवल से थोड़ा सा ऊपर जो आपने देखा था वो था क्या, एपिकोटाइल इन डाइकॉट एम्ब्रियो, ठीक। और इस ये टर्मिनेट करता है प्लीम्यूले में, तो हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल, एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लीम्यूले, प्लीम्यूले इज द स्टेम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सीड एम्ब्रियो। अब रिमेंबर, रेडिकल अराइजेस अर्लियर देन प्लीम्यूले बट इट डज नॉट मीन रूट्स विल बी फॉर्म्ड फर्स्ट, ठीक है। रेडिकल जो है पहले ही बन गया हाइपोफाइसिस से, ठीक है, प्लीम्यूले थोड़ा लेट बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है रूट जो है वो पहले बनेगी और शूट जो है वो बाद में बनेगी। रूट और शूट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो पे, किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो पे। मतलब अगर ऑक्सिन ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो ज्यादा है तो बनेगा, बताइए क्या बनेगा, रूट, ठीक है। और ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो कम है तो क्या बनेगा, शूट। इसका मतलब है ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, साइटोकाइनिन शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये आपके पास एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये बेटा, फिर से, ठीक। यहां पे आपको नजर आ रहा है ये हाइपोकोटाइल, क्योंकि मैंने कहा
ये जो रीजन है कॉटिलीडन जहां से बनना शुरू हुए हैं उसके नीचे पूरा का पूरा क्या है, हाइपोकोटाइल, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा जो ये उभार आता है ये है एपिकोटाइल और ये बनता है प्लीम्यूले। देखिए हाइपोकोटाइल कहाँ टर्मिनेट करता है, रेडिकल में, समझ आया बेटा? तो ये फिर से आपको ये डायग्राम दिखाई दे रही है, ये है मेच्योर सीड। आज मैं आपको कुछ होमवर्क नहीं दे रही हूं, ये आपको बेटा कंप्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है? कोई डाउट्स होंगे तो मुझे बताने हैं, अगर आपको इसके फुल नोट्स बनाने हो तो जरूर बनाएं और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे भेज सकते हैं। थैंक यू स्टेश।